नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने ऑनलाइन वर्चुअल क्लास के लिए ग्रुप का निर्माण कर लिया होगा या कुछ शिक्षक साथी अभी भी ग्रुप का निर्माण कर रहे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप ऑनलाइन होमवर्क बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे उस ऑनलाइन होमवर्क को किस प्रकार से देखेंगे और किस प्रकार से उसका उत्तर कागज़ में लिखकर अपलोड करेंगे। तो इस बारे में आज के वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम इसी प्रकार से लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते रहें शिक्षा से संबंधी, तो उसकी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपके होम ब्राउजर में इस प्रकार से cgschool.in टाइप करनी है। उसके बाद आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से होम पेज ओपन हो जाएगा जिसमें मेनू होम करके लिखा होगा और जो आपने पंजीयन किया था और पंजीयन करते वक्त आपने जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड क्रिएट किया था उसके थ्रू आपको यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालनी है और यहाँ पर दिया है पासवर्ड, आपको उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है और डालने के बाद यहाँ पर दिया है आपको लॉगिन का बटन, उस लॉगिन बटन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साथियों लॉगिन करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह से लिखाई पड़ेगी जिसमें वेलकम करके आपका नाम लिखा होगा। उसके बाद आपको यहाँ जो मेनू का कॉलम है उस मेनू को आपको जा करके टच करना है। जैसे ही आप मेनू को टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जानकारी प्रदर्शित होगी जिसमें आपको ये शिक्षक का कार्य लिखा है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप शिक्षक के कार्य को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बहुत सारी जानकारी शो होगी जिसमें आपका है शिक्षक प्रोफाइल संशोधन, शिक्षक डैशबोर्ड है, उसके बाद कंटेंट अपलोड करें जिससे आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, मेरे कंटेंट अपलोड जो आपने कंटेंट अपलोड किए हैं उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए असाइनमेंट अपलोड करें, इसे आपको क्लिक करना है और उसके नीचे में दिया गया असाइनमेंट जाँचे, तो असाइनमेंट जाँचे से आपको आप लोग जा करके असाइनमेंट जाँच कर सकते हैं। तो अभी साथियों हम लोग क्लिक करेंगे असाइनमेंट अपलोड करें, इसमें आपको जा करके अपलोड करना है। जैसे ही आप असाइनमेंट अपलोड को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कक्षा चुने, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से कक्षा चयन कर लेनी है जिस कक्षा के लिए आप असाइनमेंट या होमवर्क अपलोड कर रहे हैं। इस तरह से जैसे ही आप कक्षा चयन करेंगे उसके बाद आपके सामने जितने भी उस क्लास में विषय हैं उस विषय की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित, फिर आपको साथियों विषय चुने ड्रॉप डाउन से आपको विषय चयन कर लेना है कि जिस विषय से आप होमवर्क देना चाह रहे हैं। उसके बाद साथियों इस प्रकार से जब आप कक्षा चयन कर लेंगे उसके बाद विषय चुन लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन से पाठ चयन करनी है, तो पाठ चयन करने के बाद इस प्रकार से आप ड्रॉप डाउन को चयन करेंगे और जिस पाठ से संबंधित आप असेसमेंट यानी कि असाइनमेंट या होमवर्क देना चाह रहे हैं ऑनलाइन वर्चुअल क्लास लेने के बाद, तो उसको आपको उस पार्ट को आपको चयन कर लेनी है। इस तरह से पार्ट चयन करने के बाद नीचे में देखिए आपको दिया गया है प्रश्न भरे करके, इस प्रकार से आपको दिया गया है प्रश्न भरे, तो यहाँ आपको प्रश्न टाइप करनी है। अभी टाइप करने के ऑप्शन दिया गया हो सकता है, आगे आपको यहाँ पर अपलोड करने का भी ऑप्शन दे दिया जाए, PDF अन्य जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना प्रश्न टाइप करनी है। इस तरह से देखिए मैंने प्रश्न टाइप कर दिया कि नीचे लिखे शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए, और इस तरह से प्रश्न टाइप करने के बाद आप लोग उसे यहाँ नीचे में बटन दिया है सुरक्षित करें, उसके ऊपर आपको क्लिक करके उसे सुरक्षित कर देना है इस तरह से। और साथियों इस तरह से आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि सफलतापूर्वक आपका जो होमवर्क है वह अपलोड हो गया है, और उसके बाद आपको ये ओके बटन को क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप आसानी से ऑनलाइन बच्चों को होमवर्क उपलब्ध करा सकते हैं वर्चुअल क्लास लेने के बाद समूह में। अब देखते हैं साथियों कि किस प्रकार से विद्यार्थी उस असाइनमेंट को अपना देखेगा जो उनको होमवर्क प्राप्त हुआ है। उसके लिए सबसे पहले हम लॉग आउट हो जाते हैं और लॉग आउट होने के बाद हम सीधा विद्यार्थी के रूप में लॉगिन होंगे।
साथियों सेम उसी प्रोसेस से आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है विद्यार्थी का, और विद्यार्थी का आपको यहाँ पासवर्ड डालना है। उसके बाद सीधा आपको लॉगिन बटन को क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने वेलकम करके आई स्क्रीन आ जाएगा। अब मैं विद्यार्थी के रूप में लॉगिन हो चुका हूँ। तो इस तरह से साथियों आप विद्यार्थी के रूप में लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद सीधा यहाँ पर आपको कक्षा चयन कर ली है, जिस कक्षा का आपको असाइनमेंट देखना है तो यहाँ पर आपको कक्षा चयन कर लेनी है। जैसे ही आप कक्षा चयन करेंगे उसके बाद यहाँ पर अगला जो बिंदु है आप, उसके बाद यहाँ से आपको विषय चयन करे को क्लिक करके आपको विषय चयन कर लेना है। इस तरह से आप यहाँ से कक्षा चयन करेंगे और यहाँ से आप विषय चयन करेंगे। विषय चयन करने के बाद देखिए साथियों यहाँ पर कुछ जानकारी दिखाई पड़ रही है आपको। यहाँ पर है ऑनलाइन क्लास और यहाँ पर है कोर्स और मटेरियल। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है आपको होमवर्क, तो आपको उसी होमवर्क को जा करके आपको क्लिक करना है। इस तरह से जैसे ही आप होमवर्क को क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस विषय से संबंधित जितने भी पाठ है उसकी सूची इस प्रकार से प्रदर्शित होगी, जिसको आपको यहाँ से चुनना है। और चुनने के बाद यहाँ पर देखिए एक बटन दिया गया है खोजे, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पार्ट चयन करेंगे तो इस प्रकार से ड्रॉप डाउन में हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, और जितने भी पार्ट में आपको असाइनमेंट दिया जा रहेगा, होमवर्क दिया रहेगा, उसकी लिस्ट इस प्रकार से हो जाएगी। देखिए अभी मैं सड़क हूँ पार्ट पर असाइनमेंट दिया है, तो केवल उसकी सूची प्रदर्शित हो रही है। फिर उसको आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये खोजे बटन को दबा करके आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही साथियों हम खोजे को क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जानकारी आ गई है कि शिक्षक का नाम लिखा है कि द्वारा दिया गया होमवर्क कक्षा 5वीं हिंदी, और यहाँ पर दिया गया कि प्रश्न एक नीचे लिखे शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए, और ये प्रश्न का नाम भी आपको सामने इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, ये आपको दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से आपके सामने प्रश्न प्रदर्शित हो रहा है इस तरह से। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया असाइनमेंट का उत्तर अपलोड करें, तो बच्चा इस प्रश्न को देखने के बाद जो उसने उत्तर कागज पर तैयार किया है उस कागज को यहाँ पर देखिए दिया गया है चूज फाइल। इस चूज फाइल को क्लिक करने के बाद वो ड्रॉप डाउन से फाइल चयन कर लेगा, और चयन करने के बाद इस तरह से ड्रॉप डाउन से फाइल चयन कर लेगा। इस तरह से जो उत्तर उनके द्वारा तैयार किया गया है उस उत्तर को यहाँ से ड्रॉप डाउन से चयन कर लेगा, और चयन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है उत्तर अपलोड करें, उस बटन को क्लिक करना है। जैसे ही उस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा सफलतापूर्वक वह जो उत्तर है वह, तो जैसे ही बच्चे द्वारा होमवर्क का उत्तर अपलोड किया जाएगा तो आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आएगा। देखिए इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि असाइनमेंट का उत्तर सुरक्षित कर लिया गया है एवं जांच हेतु शिक्षक का नाम लिखा होगा और उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा कि किसके पास भेजा गया है इस प्रकार से लिखा होगा, तो संबंधित शिक्षक के पास उसका उत्तर पहुँच जाएगा और उसका एक मैसेज भी उनको मिल जाएगा, जिससे वह उस उत्तर को आसानी से जाँच कर सकता है। तो चलिए साथियों हम बताते हैं कि किस प्रकार से शिक्षक उस उत्तर को देख करके जाँच कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग विद्यार्थी लॉगिन से अब लॉग आउट होंगे और फिर शिक्षक के आईडी पर पुनः लॉगिन करेंगे। ये देखिए साथियों पुनः हम मोबाइल नंबर और पासवर्ड के द्वारा शिक्षक आईडी से हम लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद पुनः साथियों हम इस मेनू में जाएंगे। जैसे ही हम मेनू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शंस आएगा, जिसमें हमको ये शिक्षक के कार्य को क्लिक करना है, या शिक्षक के कार्य पर क्लिक करना है हम। जैसे ही हम शिक्षक के कार्य पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से बहुत सारी जानकारी प्रदर्शित होगी, जिसमें है आपका शिक्षक प्रोफाइल। तो सबसे पहले उसको छोड़ दीजिए, हम सीधा आते हैं यहाँ पर असाइनमेंट अपलोड करें, ये हम कर लिए। अब हम देखते हैं असाइनमेंट, देखें इसको हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम असाइनमेंट देखो को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और इस प्रकार से साथियों हमारे सामने जानकारी प्रदर्शित हो रही होती है। या यहाँ पर देखिए आपके सामने ये जो दिख रहा है, मैं सड़क हूँ, जो मैं असाइनमेंट दिया गया था मेरे द्वारा शिक्षा के द्वारा, वो असाइनमेंट यहाँ पर हमको ये दिख रहा है। और उसके नीचे में देखिए एडिट का ऑप्शन दिया है और डिलीट का ऑप्शन दिया है। यदि आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सीधे आप डिलीट को दबा करके इस असाइनमेंट को डिलीट कर सकते हैं, यदि कुछ गलत हो गया है तब की स्थिति में। तो साथियों इसके बाद हम पुनः मेनू को क्लिक करते हैं। जैसे ही मेनू को हम क्लिक करेंगे तो हम पुनः ये शिक्षक के कार्य पर जाएंगे, और शिक्षक के कार्य को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद साथियों आपको पुनः ये असाइनमेंट जांचे पे जाना है। जैसे ही हम असाइनमेंट जांचे को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे साथियों हम असाइनमेंट जांचे को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ता है, जिसमें लिखा है कक्षा चुने। तो हमको यह ड्रॉप डाउन से कक्षा चयन
कर लेना है। जैसे ही हम ड्रॉप डाउन से कक्षा चयन करेंगे तो हम कक्षा 5 कर रहे हैं क्योंकि हमने कक्षा 5 पे असाइनमेंट दिया था, और उसके बाद अगला जो भी स्टेप होगा वो हमारे सामने अभी ओपन हो रहा है। यहाँ से हमको विषय चयन करना होगा। ये देखिए साथियों, विषय आ गया है। हम ड्रॉप डाउन से यहाँ से हम सीधा विषय का चयन कर लेंगे। तो विषय हमारा हिंदी था, हमने हिंदी चयन कर लिया। जैसे ही हमने विषय चयन किया तो यहाँ पर संबंधित पाठ का नाम हमारे सामने प्रदर्शित। तो इस तरह से साथियों हमारे सामने पाठ चुने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से पाठ चुने का चयन कर लेंगे और इस तरह से पाठ चयन कर लेंगे। पाठ चयन करेंगे उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिया है असाइनमेंट देखे करके। तो ये असाइनमेंट देखे करके आपको ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे साथियों हमारे द्वारा पाठ चयन किया गया, देखिए यहाँ पे नीचे में दिया है आपको असाइनमेंट चुने। तो ये असाइनमेंट चुने को आपको क्लिक करना है। यहाँ से हम असाइनमेंट चुने को क्लिक कर लेंगे। इस तरह से जैसे ही हम असाइनमेंट चुने को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस तरह से साथियों ड्रॉप डाउन से हमको ये असाइनमेंट चुने को क्लिक करना है। जैसे ही हम असाइनमेंट चुने को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से संबंधित आएगा। देखिए किस बच्चे के द्वारा असाइनमेंट सबमिट किया गया उसका नाम आएगा, इसको हमको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए असाइनमेंट देखे करके ऑप्शन दिया गया है, इस असाइन ऑप्शन को हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम असाइनमेंट देखो को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बच्चे द्वारा अपलोड किया गया असाइनमेंट की प्रति हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगी। तो साथियों जैसे ही हम असाइनमेंट देखे को क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने बच्चे द्वारा जो किया गया है असाइनमेंट जिस जो पेपर में अपलोड किया गया है वो हमारे सामने इस तरह से प्रदर्शित होती है। और यहाँ असाइनमेंट पेपर देखे ये लिखा है असाइनमेंट पेपर देखे को यदि हम क्लिक करते हैं तो सीधा हमारे सामने हमारी जो स्क्रीन है उस पर बच्चे का जो पेपर पूरा इस तरह से ओपन हो जाएगा। हम इस प्रकार से उसको ओपन करके देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारे मार्क्स दिए गए हैं। टिक मार्क का सही का निशान, यहाँ पे गलत का निशान है, ये गोल घेरे का निशान है, यहाँ पर आपको इमोजी के माध्यम से एक्सलेंट का निशान दिया गया है, वेरी गुड का ये एक्सलेंट का निशान दिया गया है, और यहाँ पर कुछ विसंगति हुआ उसके लिए निशान दिया गया है। यहाँ पर आप ये छोटा बड़ा कर सकते हैं हाइट को इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हमको दिए गए हैं। अब उसके बाद साथियों आपको बारी बारी से ये प्रश्न को पढ़ते हुए जाना है और इसका उत्तर जाना है। जैसे सूरज के पर्यायवाची बच्चे ने सूर्य रवि और दिनकर लिखा है, मार्क चूंकि ये तीनों सही हैं तो इस प्रकार से ये आपको ये टिक मार्क कर देनी है, ये टिक हो जाएगा। और उसके बाद घर का भी उत्तर सही है तो आपको घर पर भी सही टिक मार्क कर देनी है इस तरह से। इसी प्रकार से जंगल का भी उत्तर भी सही है तो आपको इस प्रकार से जो मतलब जो जो उत्तर सही रहेगा उस पर आपको टिक मार्क कर लेनी है। यदि वहाँ उत्तर गलत है तो आपको ये गलत का मार्क यहाँ पर लगा देनी है इस तरह से। और आपको आपको लगता है कि बच्चे ने बहुत अच्छा कार्य किया है तो इस प्रकार से आप इमोजी से उसको वेरी गुड करके दे सकते हैं, और चाहे तो ये एक्सप्लेन ब्रेन दबा करके उसका आप उसके एक्सप्लेन भी का थंब दे सकते हैं इस तरह से। अब इस तरह से आप ये दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है नीड्स इंप्रूवमेंट, यदि बच्चों को सुधार की आवश्यकता है तो आप इस प्रकार से इमोजी का निशान देकर के बच्चों को बता सकते हैं कि उसको सुधार की वहाँ पर पे आवश्यकता है। तो साथियों इस प्रकार से हम उपयुक्त तो चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, कि सही होने पर सही का निशान, गलत होने पर गलत का निशान, हाईलाइट करने के लिए इस वृत्ताकार अंडाकार का निशान, फिर बहुत अच्छे उसने रिपोर्ट्स बनाए हैं, अच्छे होमवर्क किए हैं तो उसके लिए वेरी गुड, एक्सलेंट का थम दे सकते हैं, और सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए नीड्स इंप्रूवमेंट का जो मार्क है उसका हम उसको बच्चों को क्लिक कर सकते हैं इस तरह से। और यदि बच्चे ने दो पेज में यदि आपने उत्तर किया है तो यहाँ से आपको अगला देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है अगला पेज, इसको क्लिक करके आप अगला पेज को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से पिछला पेज दबाकर पिछला पेज को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए आपको ये ऑप्शन दिया, और यहाँ पर देखिए साथियों टिप्पणी भरे का ऑप्शन है, यहाँ पर हम बच्चे के संबंध में कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप टिप्पणी भी बच्चों को लिख करके दे सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्राप्तांक भरे, यहाँ पर बच्चे ने कुल कितना प्राप्तांक अर्जित किया है उस प्राप्तांक को यहाँ पर आपको फिल करनी है, और फिल करने के बाद ये सुरक्षित करें बटन पर जा करके आपको सुरक्षित बटन उनको जा करके हमको क्लिक कर देना है, दबा देना है। जैसे कि बच्चे ने यहाँ पर देखिए साथियों मैंने 6 क्वेश्चन दिया है तो 6 प्रश्न सही है, और 10 प्रश्न का 10 अंक है तो मैं यहाँ पर साथ बच्चे का 10 अंक दे सकता हूँ इस प्रकार से। और यहाँ पर मैं उसको 10 अंक बच्चे को दे दिया। उसके बाद साथियों ये सुरक्षित करें बटन को क्लिक करके हम सीधा उस उत्तर को सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिए बोल रहा है कि टिप्पणी भरे, अर्थात टिप्पणी में आपको कुछ भी लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग जो भी टिप्पणी में लिखना चाहें बच्चे के। तो यहाँ पर हम तो इस तरह से साथियों हम यहाँ पर टिप्पणी पर कुछ भी बच्चे का लिख देते हैं। टिप्पणी लिखने के बाद साथियों यहाँ पर सीधा हम सुरक्षित करें बटन को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सुरक्षित करें बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन
हो जाएगा और हमारे सामने इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपने सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया ये, और ओके लिखा है, उस ओके को हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमको ओके को क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हम इस प्रक्रिया से हम आसानी से बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं, और उसके होमवर्क को हम किस आसानी से इस तरीके से जाँच कर उसको पुनः वापस भेज सकते हैं। चलिए साथियों, हम पुनः लॉगिन हो गए हैं विद्यार्थी के रूप में, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि हमने जो उत्तर कॉपी जांच करके विद्यार्थी को सेंड किया है वह उसके पास गया है कि नहीं। तो उसके लिए पुनः आप विद्यार्थी लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद भी इस प्रकार से आपको ड्रॉप डाउन से कक्षा चयन कर लेनी है। कक्षा चयन करने के बाद यहाँ से आपको विषय चयन करना है। फिर आपको यहाँ भी ड्रॉप डाउन से विषय चयन कर लेनी है, संबंधित विषय। विषय चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाए। इस तरह से ऑप्शन ओपन होगा जिसमें साथियों हम विद्यार्थी होमवर्क वाले ऑप्शन को क्लिक करेगा। जैसे ही होमवर्क वाले ऑप्शन को क्लिक करेगा तो उसके सामने एक नया पेज ओपन होने के बाद साथियों ये पाठ चुने को क्लिक करने पर विद्यार्थी के सामने पाठ का नाम आएगा। उस पाठ को चयन कर लेना है। चयन करने के बाद ही खोजे बटन को क्लिक करना है। जैसे ही विद्यार्थी खोजे बटन को क्लिक करेगा पुनः उसके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो देखिए साथियों, इस तरह से विद्यार्थी का पेज ओपन हो गया है, और इसमें देखिए विद्यार्थी द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से, देखिए इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ये विद्यार्थी द्वारा अपलोड किया गया ये उत्तर, ये उसका उत्तर है। यहाँ पर रिमार्क में गुड लिखा गया शिक्षक के द्वारा, और उसको कुल कितना प्राप्तांक दिया गया है वह हमारे इस सामने इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। देखिए उसको कुल 10 अंक प्राप्तांक के रूप में मिले हैं। तो इस तरह से साथियों, जैसे ही हम उत्तर पुस्तिका जांच करने के बाद उसको सुरक्षित करते हैं तो वह सीधे विद्यार्थी के डैशबोर्ड पर चला जाता है, और वहां से विद्यार्थी अपने डैशबोर्ड से अपने जो प्राप्तांक है, अपने उत्तर शीट है, उसको आसानी से देख सकता है कि वहां उसने कहां पर गलती की है और उसको कहां पर सुधार की आवश्यकता है और उसने कुल कितने अंक अर्जित किए हैं। तो साथियों, इस तरह से आसानी से हम बच्चों के होमवर्क को जांच सकते हैं, और बच्चे अपने होमवर्क को आसानी से इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या है, सुझाव हो, तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।